प्राणायाम भी बताएंगे, बंद भी बताएंगे और मुद्राएं भी बताएंगे और ध्यान समाधि मुक्ति का उपाय भी बता रहे हैं। तो बैठ करके कम से कम ऐसे तो लगभग जैसे 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, 12 आसन आदि हम बताते रहते हैं, तो 12 प्राणायाम होते हैं। भस्त्री का कपाल भाती बंद बता रहा था मैं, जालंधर बंद, उड्यान बंद, बोल बंद। जालंधर बंद थोड़ी को कंठकूप में लगाना, उड्यान बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना, और मूल बंद नाभि के नीचे वाले भाग को खींच करके रखना। देखो एक साथ तीनों लगते हैं, तीन बंद और बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार क्रिया। स्वामी जी, आपने अपने योग के जरिए पूरे देश को चैलेंज लेने वाला बना दिया। अब सब चुनौती लेने को तैयार रहते हैं और आज हर एक भाई बहन जो है आज आपसे चैलेंज चाहता है कि वो आज का चैलेंज क्या होगा उनके लिए। तमाम चाहने वाले आपके लिख रहे हैं मुझे। तो आज जो चैलेंज है वो वृश्चिक आसन का चैलेंज दे देते हैं। यहाँ करके दिखाओ बेटा वृश्चिक आसन, पैर पीछे से उठाएंगे, सिर के ऊपर प्रसरित हस्त वृश्चिक आसन, हाथ पीछे खुले हुए, पैर पीछे से उठा के लाएंगे। और देखो देखो ऐसे करना है, हाथ पीछे खुले हुए, पीछे से पैर उठाएंगे, दोनों यहाँ लाके टिका देंगे। करो ऐसे, गजब फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों की। ऐसे बिल्कुल जो उसका आप कर पाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं पाऊंगी उसे, मुझे वापस बचपन में जाना पड़ेगा। और ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, पैर पीछे से उठाए और इधर आ गए, तो चैलेंज भी दे दिया। तो मैं आपको बता रहा था सब प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति, उज्जायी अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदि सूर्यभेदि, बाएं से लेना, बैठो बेटा, और अंदर रोके रखना, दाएं से छोड़ देना, चंद्रभेदि, दाएं से लेना, अंदर रोके रखना, बाएं से छोड़ देना, सूर्यभेदि, बाएं चंद्र सर है, दाएं सूर्य सर, इड़ाई पिंगला बीच में सुषुम्ना, इसके साथ जुड़े 72,10,000 नाड़ियां, तो ये नाड़ी शुद्धि। बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, अंदर रोक के रखते हैं तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है, और लगातार लेते छोड़ते हैं तो अनुलोम विलोम हो जाता है। तो नाड़ी शुद्धि 72,10,201 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, अष्ट चक्र 9 द्वारों की शुद्धि के लिए, देह कोई अयोध्या का अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, रोकना कितनी देर के लिए स्वामी जी? आत्मा ही राम है, यथाशक्ति 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट से लेकर के अधिकतम 2 मिनट तक रोकना, उससे ज्यादा नहीं। तो ये नाड़ी शुद्धि होता है, 1:4:2 का अनुपात होता है, 4 सेकंड में लिया तो 16 सेकंड अंदर रोके रखना, 1:4:2 और 8 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना, 4 और 8 में छोड़ना, और 1:4 सेकंड में लिया तो 4 गुना उससे अंदर रोक करके रखना, 1:4:2 ऐसा ही अनुपात है। और वैसे सामान्य रूप से यथाशक्ति रोकना, यथाशक्ति छोड़ना, शीतली शीतकारी कर्ण रोगांतक और अभ्यंतर, ऐसे ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। अब मैं थोड़ा सा आज मुद्राएं भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये 5 अंगुलियां 5 तत्वों के प्रतीक है, अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतीक है, ये ध्यान मुद्रा है। ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये वायु मुद्रा है, वात रोगों के अर्थराइटिस को मिटाने के लिए ये शून्य मुद्रा है, कर्ण रोगों के लिए ये पृथ्वी मुद्रा है, ओवरवेट अंडरवेट्स के लिए ये वरुण मुद्रा है, किडनी के रोगों के लिए ये शक्ति मुद्रा है, जिनको बहुत अधिक दुर्बलता रहती है, ये अपान मुद्रा है, जिनको शरीर में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए थे, पंच तत्वों के संघात से, 5 एलिमेंट से बॉडी यूनिवर्स सब कुछ फॉर्म हुआ है, उनमें असंतुलन आने से रोग होते हैं, तो ये मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो ऐसे, अब एक साथ 2 मुद्रा, ये अपान मुद्रा और ये वायु मुद्रा, वायु अपान मुद्रा एक साथ ऐसे हो गई, ऐसे भी एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं, जो है अलग अलग प्रकार की जो है ये शिवलिंग की मुद्रा है। फिर स्वामी जी अलग अलग एक तड़ा की मुद्रा होती है, ऐसे ये सर्वांग आसन में पेट को तड़ाक की तरह ऐसे,
ये तड़ागी मुद्रा इसको कहते हैं। एक शांभवी मुद्रा होती है, आंखों को अंदर की ओर खींच करके और यहां भ्रूमध्य में देखते हैं ऐसे, ये शांभवी मुद्रा है। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं भी, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, तो इन मुद्राओं के द्वारा भी ऐसे प्राणायाम पे बैठे हुए कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते ही। स्वामी जी जरा ये बता दीजिएगा कि ये जो मुद्राएं आप बता रहे हैं, इसमें किसी एक मुद्रा में कितने वक्त तक रहना है? एक मुद्रा 5 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक कर सकते हैं।